मजाका खेस थी कि पाओ बुनकर होना चाहिए। अब वो बुनकर का सर्टिफिकेट कहीं से मिलता है क्या डॉक्टर? आपने किया है ना, तो मैं बता रहा हूँ ना कि वो सर्टिफिकेट तो नहीं लाए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब वो संभाले तो तरासन चलाए और जिन्होंने शिकायत की उनके वहाँ तरासन भरे और उसके बाद एक लूम दो लूम तीन लूम तक चलाए, चार लूम में से फिर हम लोग और आगे फील्डिंग में चले गए थे। उसके बाद पावर लूम किराए से लिए, खुद का लिए, आज 500 लूम अल्लाह करम से आप लोगों की दुआ से कारोबार में चल रहे हैं। अब बुनकर किसको कहते हैं, अगर कोई और कोई मैटर हो तो मेरे समझ में लेके आ जाओ। सबसे पहले मैं अपने शहर के तमाम ही उर्दू अखबार, मराठी अखबार के नुमाइंदों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे शॉर्ट टाइम पे इत्तला पर आप सभी लोग यहाँ पर उर्दू पत्रकार में उर्दू मीडिया सेंटर पर हाजिर हुए हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मतलब आपको पूरी वाज़े तौर पे मुख्तार अदील साहब ने बताई है, लेकिन मैं कुछ उसके चंद पहलू पे खास गुफ्तगू करूँगा। ये सेती के बाद जो है पावरलूम यानी कपड़े का उद्योग दो नंबर है अपने देश में भी महाराष्ट्र में भी। इसकी अहमियत जो है इसलिए भी ज़्यादा है कि इसमें पावर लूम सेक्टर से जो भी लोग जुड़े हैं उससे आमदनी भी होती है और गवर्नमेंट को इसका टैक्स भी मिलता है, और इसके मसाइल हल करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी संजीदा है, सोचती है कि ये भी मसला हल हो। जैसे सितकरी लोग सितकरियों का होता है उनके मसले मसाइल पे गौर होता है, तो ऐसे ही कपड़े के मसले मसाइल पे भी गौर होना चाहिए। इस ताल्लुक से गवर्नमेंट के पास बहुत से लोग अपनी शिकायतें लेकर के उनको रेंडम देते हैं और ये बताते हैं कि हमारी ये तकलीफ है, चाहे वो 27 HP की सब्सिडी की हो कि उनके जो टब स्कीम से जो पहले लोगों ने गवर्नमेंट की तरफ से जो टब स्कीम के पैसे नहीं मिल रहे हो, और या जो लोगों को अब नई स्कीम से फ़ायदा उठाना हो, ऐसे मसाइलों को ले लेकर वो अपनी मेरेंडमात देते रहते हैं। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए टेक्सटाइल मिनिस्टर जनाब असलम शेख साहब ने ये बात को बड़ी संजीदगी से सब नुमाइंदों के साथ और पूरी कैबिनेट में बात करके ये बताया कि एक जायज़ा कमेटी इसके लिए बनाई जाए, क्योंकि जो मेरेंडम आते हैं या जो निवेदन आता है, अब निवेदन पढ़ने के बाद उनको ये समझ में नहीं आता कि वो शहर के मसले क्या है, मालेगांव के, भिवंडी के, सब के अपने अलग अलग हैं। तो वो मसाइल को लेकर एक जायज़ा कमेटी बने जो ये ऑब्जर्व करे कि सब के पास जा कर के उनसे राबता करे और उनकी बात सुने, और उसके लिए कोई ऐसी सूचना गवर्नमेंट को दे, ऐसी रिपोर्ट बना करके दे जिस पर गवर्नमेंट अमल करे। इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत यानी ताबड़तोब एक कैबिनेट में फैसला लेकर ये कमेटी का ऐलान किया और इस इलाकों के इस शहरों के सभी लोगों को उसमें शामिल किया गया। जैसे मालेगांव से सदारत का जो मसला है वो मालेगांव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मालेगांव को सदारत दी, ये बड़ी बात है, मैं शुक्रगुजार हूँ असलम शेख साहब का कि उन्होंने मालेगांव के लिए सदर चुना, और भिवंडी से दो लोगों को लिया उन्होंने जो यानी, और सिराज हॉस्पिटल के डॉक्टर डॉक्टर नूर वो दो लोग वहाँ के हैं, और एक जो है इसमें बहुत एक्सपर्ट सदस्य है सादिकुल जमा, ये कपड़ा यानी टेक्सटाइल में ये हेड यानी वन क्लास ऑफिसर रह के रिटायर हुए, जितनी मालूमात और जितनी माहिती उनके पास है शायद ही किसी के पास है, वो पूरी ज़िंदगी इसी स्कीमों में, और ये यहाँ मालेगांव में भी आते थे, बहुत लोगों को उन्होंने भी स्कीमों से फ़ायदा दिलाया, वो भी इसके मेंबर है, वो नागपुर के हैं, और इच्छल करंजी से भी हैं दो लोग हैं हमारे, जनाब महाजन साहब है और श्री राहुल प्रकाश है, और एक सोलापुर के हैं वर्धन राय, वर्धन
क्रमकट ऐसा नाम है इनका। तो ये सभी बड़े शहरों में जहाँ जहाँ पावर लूम है ऐसी नुमाइंदगी दी गई, और हमारे लिए उन्होंने सेक्रेटरी एक सचिव यानी सीओ लेवल का आदमी, जो अपनी भाषा में बोलेंगे क्लास टू या क्लास वन ऑफिसर है, वो हमारा सचिव है, वो ये पूरी टीम मालेगांव का जायज़ा लेने 1 तारीख को मालेगांव पहुंच रही है। और यहाँ का प्रोग्राम अपन ने इस तरह बनाया है कि हज हाउस में 3 बजे से 6 बजे तक के ये लोग सभी लोगों से रब्ता करेंगे, लोगों को आपके माध्यम से आपके ज़रिए से इत्तला मिल जाए। तो जो लोग आएंगे अपनी शिकायतें लेके मेमोरेंडम देंगे या जो बयान करेंगे, वो सारी बातें नोट में लिखी जाएंगी। और ये शहर का भिवंडी में जुमरात का है, 31 तारीख भिवंडी में है और यहाँ 1 तारीख है। तो सभी शहरों में जो जो तारीख पे हम जाके सब पूरे शहरों की बातें सभी पावर लूम के नुमाइंदों से मिलने के बाद जो रिपोर्ट तैयार होंगी, वो रिपोर्ट पर महाराष्ट्र हुकूमत काम करने का इरादा करती है। वो ये नेक नियति से काम करना चाहती है, इसलिए कमेटी को तो पहले 3 महीने के अंदर ही रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि सभी जगह जाना और पूरे महाराष्ट्र में जाना है, तो वो टाइमिंग मिलने के बाद जल्दी से जल्दी हम ये काम को पूरा करके गवर्नमेंट को इसकी रिपोर्ट पेश करेंगे और उसकी रिपोर्ट आप तक भी हम पहुंचाएंगे कि हमने क्या बताया गवर्नमेंट को। और इस पावर लूम के सेक्टर को अपने को काफ़ी आगे ले जाना है, क्योंकि बहुत तकलीफ़ से ये सनक चल रही है, और इसका ये पिछले कोरोना से 2 साल से तो और भी ज़्यादा तकलीफ से ये उठा रही है ये सनक। इसको राहत मिले ये गवर्नमेंट के ख़ास प्रोग्राम में है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से न्यूज़ में और चैनल मीडिया चैनल पे बता करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, शहर मालेगांव के नुमाइंदगी करें और वो अपनी सुझाव पेश करें, अपनी बात रखें गवर्नमेंट के सामने, तो इसका ज़्यादा फ़ायदा और ज़्यादा असर महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे पड़ने वाला है। क्योंकि यहाँ पर उन लोगों ने देखा कि मालेगांव एक बड़ा पावर लूम सेक्टर है और यहाँ हर तरह कभी साइजिंग के मसाइल आते थे, पीछे जो चल रहा था उसके भी मसले वहीं पे गए, पावर लूम की सब्सिडी रोक दी गई, वो मसाइल लेकर के फिर सब्सिडी के मामले अभी अभी आए, सब्सिडी ख़त्म नहीं की गवर्नमेंट ने, ये रिपोर्ट जाने के बाद ही वो आखिरी फैसला लेंगी। हमारी रिपोर्ट तक सब्सिडी खाली कुछ ऐसा माहौल पैदा हो गया था कि गवर्नमेंट का कुछ पैसा बकाया रह गया था कंपनी का, पावर लूम ये पावर हाउस कंपनी का, तो इन लोगों ने वो ऐड करके बिल दे दिया, जबकि फिर उप मुख्यमंत्री यानी नायब मुख्यमंत्री साहब ने अजीत दादा पवार ने कैबिनेट में ये बोल करके गवर्नमेंट की तरफ से जो उनका फंड था वो दिलाया और उससे राहत मिली अपने अपने पावर लूम में, जो सब्सिडी का मैटर था। लेकिन सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से अभी ख़त्म नहीं हुई, वो रिपोर्ट मांग रहे हैं हमको, ख़ास तौर से उसमें लिख कर दिया है कि भाई 27 HP की सब्सिडी पे भी कोई योजना कोई रिपोर्ट बना करके पेश करना गवर्नमेंट को, अगर उसमें ये रहा कि भी देना है तो देना है, या उसका और उससे अच्छा तरीका कोई सुझाव आया तो उससे अच्छा तरीके से हम रिपोर्ट बनाएंगे, वो सबके सुझाव देखना चाहती है हुकूमत महाराष्ट्र। तो ये सारी बातें थी, इसमें जुमा के रोज़ जो है 3 से 6 बजे तक आप लोग भी, मैं अभी आपको दावत देता हूँ कि आप लोग सभी उस मीटिंग में भी हाजिर रहो, ताकि वहाँ पे जो जो लोगों ने क्या क्या सुझाव रखा वो सबके सामने रहे। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप लोग भी सब उसमें हाजिर रहेंगे या आएंगे, तो मुझे यानी वहाँ पर जो मेहमान आ रहे हैं उन लोगों को भी लगेगा कि हमारी जो है सनद के बारे में हम बड़े संजीदा हैं। रिंग का मसला हो या पावर लूम का हो, सब्सिडी का हो, ये सारे मसाइल पे वो मीटिंग है। अलग अलग जिनको भी जो मेमोरेंडम लाएंगे, साइजिंग वाले साइजिंग की बात करेंगे, उनकी तकलीफ सुनी जाएंगी, ये सारी बातें हैं। इसके लिए गवर्नमेंट जो है इसको बहुत शॉर्ट टाइम पे मतलब इसका सेटलमेंट करना चाहती है। इसमें तो मेरे ख्याल से शहर मालेगांव में मैं आप लोगों से काफ़ी अरसे के बाद मिला हूँ, लेकिन जो लोग जानते हैं वो अच्छी तरह समझते हैं कि अपनी सोच क्या है। इसमें अपन खाली जज्बे खिदमत के लिए आए, ये कमेटी से अपन शहर को फ़ायदा दिला सकते हैं और पूरे पावर लूम सनत को फ़ायदा दिलाएंगे। नीयत हमारी यही है कि सब फूले फले ये इंडस्ट्री ये चलेगी तो शहर चलेगा अच्छा,
आपको ये कमेटी में क्यों लिया गया? मतलब था शेख के दोस्त है आप इसलिए लिया गया या कोई और बात है? इसमें क्या है कि देखो पावर लूम में जब भी देखा जाता कि कोई कमेटी जायजा कमेटी, अभी पहले एक महमूदुर रहमान कमेटी बनी थी, वो आईएएस ऑफिसर थे, सच्चर कमेटी बनी थी। इसी तरह जो भी कमेटी बनती है तो शहर में आप कहीं ना कहीं से रिपोर्ट ली जाती होगी, उनके तरीके से रिपोर्ट ली गई। मुझे फ़ोन आया कि भी आपको सदर बनाया गया, आप रब्ता करो। फिर मैं बम्बई पहुंचा। ऐसा किसी की सिफारिश ये कोई मैटर ना मेरे मामले में कभी नहीं रहा। कुछ ऑब्जेक्शन भी आया था कि आपकी सदारत को लेकर? नहीं, इधर नहीं, वहाँ पर मंत्रालय तक तो कोई बात नहीं है, या कोई चैनल वनल की तरफ से मैं भी देखा। बहरहाल उनका उनकी बात की मजाक का खेस थी कि पावर बुनकर होना चाहिए। अब वो बुनकर का सर्टिफिकेट कहीं से मिलता है क्या डॉक्टर? तो मैं बता रहा हूँ ना कि वो सर्टिफिकेट तो नहीं लाए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब वो संभाले तो तरासन चलाए, और जिन्होंने शिकायत की उनके ही वहाँ तरासन भरे, और उसके बाद एक लूम दो लूम तीन लूम तक चलाए, चार लूम में से फिर हम लोग और आगे फील्डिंग में चले गए थे। उसके बाद पावर लूम किराए से लिए, खुद का लिए, आज 500 लूम अल्लाह करम से आप लोगों की दुआ से कारोबार में चल रहे हैं। अब बुनकर किसको कहते हैं? अगर कोई और कोई मैटर हो तो मेरे समझ में लेके आ जाओ। यानी मेरी एक बात बताऊँ आपको, ख़ास तौर से मेरे पास कुछ निशानी है। जैसे जब छोटा बच्चे कोई को भी लूम चलाने दो ना, तो पहले डोटा पेचना रहता था ना, डोटे को अपन ये चाप में भेजेंगे, ये पेटी में भेजेंगे, तो मेरी ना दोनों उंगली देखो, ये दो ये उंगली भी अंदर दिखाई देगी, ये डोटा पेचने की है, और ये उंगली भी ऐसी है, इधर से ये अंदर दिखाई देगी। बचपन से मैं लूम चलाऊँ, अब इससे बड़ा सबूत क्या दी? आती रहती है, और अपन ने कई स्कीम को लाए मालेगांव में, वो स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा पाए अपने लोग, लेकिन इचल करंजी में बहुत तेज़ी से इसका फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। इचल करंजी वाले बहुत उसमें बराबर घुस के सब्सिडी भी ले लेते हैं, और बराबर बैंकों से लोन भी ले लेते हैं, और अपन वो मसाइल से ज़रा दूर हैं। यहाँ के सब्सिडी लेने वाले परेशान हैं, वो सब उनके लिए उनकी सब्सिडी और उनके मसले जो है ना, अभी तो मैं उनसे भी गुफ्तगू किया था, वो लोगों की मसले जो है इसके टप स्कीम में भी लोग ले लिए थे, उसमें भी परेशान है। बाकी गवर्नमेंट ने वो तो अच्छा है, यही सादिकुज़्ज़मा सर थे जो इन्होंने टप के पैसे भी लाए, गवर्नमेंट से दिलवाए। हाँ, टप वाले बहुत परेशान थे। तो स्कीमों में क्या है, पूरी तरह उसमें बैठना चलना, अपन कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह रही होंगी, नहीं तो गवर्नमेंट की सब्सिडी अभी कई लेट मिलती है, वो सबको पता है। गवर्नमेंट की सब्सिडी या कोई भी आज बिजनेस करने जाएंगे, उसको जाके लाना ऑफिस पे दौड़ना पड़ता, और उसके लिए सबको मालूम है क्या लगता, क्या कैसे लेना क्या देना। लेकिन सब्सिडी मिलती है, वो एक क्लेम है गवर्नमेंट पे, वो तो उसको देना ही है। अब कारोबार में नफा नुकसान हर धंधे में लगा है, तो ये तो तेजी मंदी का है, कपड़े का धंधा बहुत तेजी मंदी का। अभी देखो ना, यान के भाव अभी कितने बढ़ गए, जो कि उस जमाने में तो कुछ भी नहीं था, और अपन सोचते थे कपास यहाँ पैदा होती, महाराष्ट्र में जाती है, यानी बाहर साउथ में जाती, अब साउथ में जाती, गुजरात में जाती, उसके बाद वहाँ से सूत आता, और अपन वही कपास यहाँ से बेचते और सूत वहाँ से लाते। तो कुछ स्पिनिंग मिलों की भी ज़रूरत है, और यही मसले मसाइल पे अपन उस पर बहुत डिटेल रिपोर्ट बनाएंगे, और वो तुम्हारे सामने भी मैं वहाँ देने के बाद यहाँ पे भी अपन एक जलसा लेके पेश करेंगे कि हमने ये रिपोर्ट दी।